और राशन पर आपने पूरे पब्लिक को निर्भर बना दिया, आपने गरीब रखा है लोगों को जानबूझ के, फिर आपने जाति और धर्म के आधार पर समाजवादी को जिताया, फिर आपने भाजपा को जिताया धर्म के आधार पर, आपको क्या मिला? उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार करने में जुटी हैं। बाराबंकी के मसौली जैतपुर विधानसभा में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी अनुज पुनिया के लिए जनसभा में कहा कि कांग्रेस को छोड़कर सभी पार्टियां सपा बसपा बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगती है, क्योंकि ये लोग विकास कार्य नहीं करते हैं, न ही जनता की बात सुनते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार हुआ, युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ, अखिलेश यादव किसी से मिलने नहीं गए, सपा और बसपा के नेता कहीं किसी का दर्द बांटने नहीं गए, कोरोना काल में बीजेपी ने लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया, सपा और बसपा के नेताओं ने मदद नहीं की, कांग्रेस ने घर भिजवाने का इंतजाम कराया, दवाएं पहुंचाई, प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस ने मदद करके पाप किया है। जितने भी राजनीतिक दल आज उत्तर प्रदेश में आपके सामने है, चाहे वो बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस के अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो आपसे वोट धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर मांगेंगे, ठीक है? क्यों? क्यों? इसकी दो वजह हैं। सबसे पहली वजह ये है कि उन्होंने काम नहीं किया। जब आपकी समस्याएं होती हैं, तो ना सरकार उनको सुलझाने का काम करती है और ना बसपा के नेता समाजवादी के नेता आपके पास आते हैं, आपकी सुनवाई करते हैं। महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उन्नाव में हुआ, शाहजहांपुर में हुआ, हाथरस में हुआ, क्या अखिलेश यादव जी बाहर आए? क्या गए वहां पे संघर्ष किया, आंदोलन किया कि न्याय मिलना चाहिए? नहीं। आपने परीक्षाएं दी नौजवानों ने, आपने जब आंदोलन किया इलाहाबाद में और अन्य शहरों में, आपको मारा पीटा गया, तमाम धाराएं आपके खिलाफ लगाई गई, करियर बर्बाद हो गए बहुत बच्चों के, क्या समाजवादी दल के नेता या बसपा के नेता अपने घर से बाहर आए? कोरोना हुआ, लॉकडाउन में तमाम जो प्रवासी श्रमिक थे, मजदूर थे, जो दिल्ली गए हुए थे काम करने के लिए, जो नौकरियां वहां करते हैं, उनको भाजपा की सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया। क्या समाजवादी दलों के नेताओं ने, क्या उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके पदाधिकारियों ने आपकी मदद की? नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने वापस आने का इंतजाम किया, यहां तक कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मदद करके पाप किया। वो कह रहे हैं हमने मदद की, आपको घर पहुंचाया, जहां जहां आप पैदल आ रहे थे वहां लंगर लगाए, कोरोना आया दवाइयां बंटवाई, ऑक्सीजन का इंतजाम कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन समाजवादी दल बसपा के नेता दिखे ही नहीं, उनके पदाधिकारी उनके कार्यकर्ता सब घर में दुबके हुए थे। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि आप लोगों ने जाति धर्म के नाम पर वोट देने की आदत बना ली है, तभी विपक्ष के नेता विकास नहीं करते हैं। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि 12 लाख पद यूपी में खाली हैं। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि 4 लाख पद भरे जाएंगे, 5 साल हो गए तब नहीं किया, एयरपोर्ट का शिलान्यास अब कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया? अब बीजेपी को महिलाएं याद आ रही हैं, क्योंकि चुनाव में वोट लेना है इसलिए बीजेपी बोल रही है। जनता ने जाति धर्म के आधार पर सपा बसपा और बीजेपी को जिताया और कुछ नहीं मिला। महंगाई कम नहीं हुई, रोजगार नहीं मिला, बीजेपी ने एक बोरा राशन देकर सबको उस पर निर्भर बना दिया है। कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए 3 सालों से संघर्ष किया, अब ये पार्टियां क्यों नहीं कर रही हैं? ये विपक्ष की पार्टियां क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि आपके हित में काम नहीं करना चाहती। वो जानती हैं कि चुनाव के समय जब धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगेंगी, आप दे दोगे आंख मूंद कर, आपने बुरी आदत डाल दी। भाजपा भी वही चीज जानती है, भाजपा की सरकार है, आज कुछ भी कर सकती थी, 5 सालों से सरकार है, 12 लाख रोजगार के पद खाली रखे हैं, आज कह रहे हैं कि हमने 4 लाख पद
के एप्लीकेशन खुलवाएं और रोजगार देंगे। भाई 5 साल से क्यों नहीं किया? आज हवाई अड्डों के शिलान्यास हो रहे हैं, 5 सालों से क्यों नहीं किए? अब तक तो हवाई अड्डे तैयार हो जाते। आज कह रहे कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अचानक महिलाएं याद आ गई इनको, कह रहे कि महिलाओं के लिए हम सारी योजनाएं बनाएंगे, महिलाओं को हम पैसे भेजेंगे खाते में, महिलाओं के लिए हम मुफ्त ये देंगे मुफ्त वो देंगे। आज क्योंकि चुनाव आया है, 5 सालों से सरकार थी, भैया कहां थे आप? क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। तो जब कुछ किया ही नहीं है और ना कुछ करने का इरादा है, तब स्पष्ट है कि आप आकर धर्म की बात करोगे, जाति की बात करोगे, लोगों के जज्बातों को उभारोगे और उस समय वोट ले लोगे उनसे चुनाव के समय। अब ये बहुत बुरी आदत हो गई है, सालों से चल रही है उत्तर प्रदेश में। पहले आपने जाति के आधार पर बसपा को जिताया था, फिर आपने जाति और धर्म के आधार पर समाजवादी को जिताया, फिर आपने भाजपा को जिताया धर्म के आधार पर। आपको क्या मिला? क्या मिला मैं जानना चाहती हूं। रोजगार मिले? महंगाई कम हुई? किसानों को कोई सुविधा मिली? कोरोना आया, सेहत की सुविधाएं मिली? आप मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, किस लिए? किस लिए? कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा ने एक बुरा राशन दिलवा दिया, भाजपा ने खाते खुलवा दिए, उसमें थोड़े बहुत पैसे भिजवा दिए। वाह 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 वाह, 5 सालों में इतना काम कर लिया कि एक बोरे राशन पर आपने पूरे पब्लिक को निर्भर बना दिया। आपने गरीब रखा है लोगों को जानबूझ के। आपको रोजगार इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि रोजगार नहीं है, आपको रोजगार इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आप बेरोजगार रहोगे। आप नौजवान हो, आप में ऊर्जा है, आप में गुस्सा चढ़ेगा, आप में आत्मविश्वास नहीं होगा, इसीलिए आपको फुसलाना आसान हो जाएगा। इसीलिए जब आपके सामने धर्म की बात होगी और जाति की बात होगी तो आपके आपके जो जज्बात है उनके आधार पर आप वोट दे दोगे। आप पढ़ोगे लिखोगे, सशक्त बनोगे, कमाओगे, घर पे अपनी कमाई लाओगे, माँ बाप का देखभाल करोगे, परिवार का देखभाल करोगे, तो कौन आपको फुसलाएगा जी? ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।